एक जीवित नर्क, वो इलाका जहां सिर्फ लाशें और बिखरे सामान दिखते हैं। हम बात कर रहे हैं इसराइल के बॉर्डर किबुत्स रिम की। तारीख 7 अक्टूबर, सुबह 6:30 बजे। यहां लोग एक जगह नोवा म्यूजिक फेस्ट के लिए जुटे। हजारों लोग थे जिन्हें अचानक से आसमान में गाजा पट्टी की तरफ से दागे गए रॉकेट्स दिखे। उन्हें कुछ पता चलता इससे पहले ही वहां हमास के लड़ाके मोटरसाइकिल, गाड़ियां और ट्रैक्टर लेकर पहुंचे, ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी। लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। सब अपनी जान बचाने के लिए यहां वहां दौड़ने लगे। रॉकेट के हमलों से बचने के लिए छिप गए, कुछ लोग जमीन पर लेट गए। देखते ही देखते आसमान से हजारों रॉकेट इसराइल की ओर बढ़ने लगे, जिनसे कहीं भी अटैक हो सकता था। रॉकेट अटैक के बीच हमास के लड़ाके पैराग्लाइडर्स बाइक कार से इसराइली सीमा में घुसते नजर आए। इस बीच म्यूजिकल फेस्टिवल के पास ही एक मिलिट्री बेस पर भी हमला हुआ। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं उसी जश्न की जगह की है जहां नोवा म्यूजिक फेस्ट चल रहा था, जो अब नर्क जैसा दिख रहा है। हमास ने म्यूजिक फेस्टिवल के वेन्यू को 3 तरफ से घेरा। सिर्फ एक ही दिशा ऐसी थी जहां से भाग पाना संभव था। इस दिशा में हमास के लड़ाके इसराइलियों को टारगेट बना रहे थे। लोग अपनी गाड़ियों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फायरिंग इतनी ज्यादा हो रही थी कि यह संभव ही नहीं हो पा रहा था। फेस्टिवल को देखते हुए पुलिस और सिक्योरिटी अफसरों की कई कारों ने रोड को ब्लॉक कर दिया। ऐसे में लोग अपनी गाड़ियों को वहीं छोड़कर सड़क पर भागते हुए नजर आए। चीखते चिल्लाते हुए लोग खुले मैदान में दौड़ते दिखे। कई लोग थकान और डर के मारे पेड़ों के पीछे छिपते दिखे। इस दौरान गोलीबारी से सड़क के पास 100 से ज्यादा कारें तबाह हो गईं। देखते ही देखते लोग मरने लगे। हमास के करीब 50 आतंकियों ने वहां तबाही मचा दी। उन्होंने इस नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में शामिल हुए 260 इसराइलियों को मार दिया। दौड़ रहे लोगों पर कई जगहों पर स्नाइपर राइफल से हमले हुए। अटैक 3 दिशा से हुआ, जहां कैंपिंग, बार और फूड का एरिया था। हमास के लड़ाके यही नहीं रुके, उन्होंने कस्बों और गांवों में भी घुसपैठ की। दर्जनों इसराइलियों को बंधक बना लिया। लड़ाके लोगों को बाइक, कार और गोल्फ कार्ट पर बिठाकर अपने साथ वापस गाजा ले गए। दोपहर तक इसराइली सेना ने फेस्टिवल वाली जगह को फिर से अपने कंट्रोल में ले लिया। हालांकि तब तक वहां जश्न तबाही में बदल गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं लाशों को उठाने वाले इसराइली कहते हैं कि प्रत्येक कार में 2 या 3 शव थे। उन्होंने कहा सुरक्षा बलों के वहां पहुंचने तक आतंकियों के पास बहुत समय था। कुछ कारों को अंदर लोगों के साथ जला दिया गया। नरसंहार के कई दिनों के बाद भी मृतकों के लिए अभी भी शोक मनाया जा रहा है, लेकिन साथ ही लापता लोगों की तलाश कर रहे परिवार परेशान है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।